नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। यूपी मदरसा एक्ट है, बता दें कि यूपी मदरसा एक्ट वैध है या अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यूपी मदरसा एक्ट को अब मान्यता दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाले सुप्रीम कोर्ट की 3 जस्टिस की बेंच ने कहा था कि ये सही नहीं है और अब उसको मान्यता दे दी गई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मदारिस अरबिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर से फैसला इसके खिलाफ आ जाता तो हमारे मदारिस अरबिया के ऊपर बहुत बड़ी इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी ये थी कि उन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाए जो मदारिस अरबिया में पढ़ा रहे हैं, और बेरोज़गारी का स्तर और बढ़ जाता। मदारिस अरबिया का अहम योगदान है, मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान है। इसके अलावा मदारिस अरबिया ने हमें IAS PCS IPS गवर्नर्स मिनिस्टर्स दिए हैं, और मदारिस अरबिया ने जिस तरीके से मुल्क को संवारने में, मुल्क को सजाने में अहम भूमिका अदा की है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये नहायत ही खुशाइन फैसला है, और इस फैसले से न सिर्फ मदरसों में पढ़ने वाले बल्कि मदरसों से मुंसलिक वो तमाम हजरात जो संवैधानिक हक के लिए सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एक्ट की और मदरसों के वकार के लिए मजबूत पैरवी कर रहे थे, वो तमाम हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसलिए कि मदरसों ने हमेशा इस मुल्क में तालीम को फ़रोग देने के लिए और जहालत के खात्मे के लिए काम किया है। कुछ अरसे से ये एक फ़िज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है कि मदरसों को बदनाम किया जाए, मदरसों के तालीमी निज़ाम को दरहम बरहम करने की कोशिश की जाए और मदरसों के वक़ार को, मदरसों के स्टेटस को मजरूह किया जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहायत खुशाइन फैसला है, और मुझे लगता है कि मदरसा इस फैसले के बाद मदरसों में पढ़ने वाले और मदरसों से मुंसलिक वो तमाम हजरात जो कहीं ना कहीं शक और शुबे का शिकार थे, अब मजबूती से तालीम के मैदान में अपना काम बखूबी अंजाम देंगे। बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। जहां हाई कोर्ट का फैसला था कि मदरसा एक्ट वैध नहीं है, तो वहां पे पढ़ने वाले बच्चों को अब दूसरी जगह तालीम दी जाए, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बड़ी राहत दी है मुस्लिम पक्ष को, क्योंकि ये मदरसा एक्ट को वैध घोषित कर दिया गया है। इसी पर आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता उवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैसे आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिली मदरसा एक्ट को वैध बताते हुए, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है जो फैसला आया था उसको जो है पलट दिया है, और ये बड़ा फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के हक में ये फैसला किया है, और मदरसे 2004 जो मदरसों का एक्ट है उसमें जो है उसको संवैधानिक बताया जो बताया है, और साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो भी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो स्वतंत्र हैं, वो धार्मिक पढ़ाई अपनी पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, और ये मदरसा बोर्ड के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी राहत दी है। आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने ये फैसला लिया है जिसमें मदरसा बोर्ड को संवैधानिक बताया है, वैध बताया है, सही बताया है। तो जिस तरीके से ये फैसला आया है तो मुसलमानों में और जो धर्म गुरु हैं उनके भी तमाम बयान आ रहे हैं, उनमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया है और मुबारकबाद लगातार दे रहे हैं, और ये फैसला जो है वो हाई कोर्ट का पलटवार है। जी जी, वैसे आखिर क्या साक्ष्य दिए गए थे मदरसे एक्ट को अवैध घोषित करने के लिए? हाई कोर्ट की तरफ ने जो फैसला सुनाया था, इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके लिए क्या तहरीर रखी गई थी, क्या वजह बताई गई थी कि मदरसे एक्ट को अवैध घोषित कर दिया जाए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की बेंच ने यह फैसला लिया है, और साफ तौर पर DY चंद्रचूड़ सिंह के साथ जो और भी 2 जज थे वो उन लोगों ने फैसला लिया है। इसका आधार ये है कि उन्होंने
मदरसा एक्ट 2004 के तहत जो भी इसमें जो है संविधानिक बच्चे हैं जो पढ़ाई पढ़ते हैं इनकी स्वतंत्रता को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो बच्चे हैं जो मुस्लिम बच्चे हैं जो भी धार्मिक पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं वो स्वतंत्र है, वो अपनी धार्मिक पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से ये फैसला आया है वो मुसलमानों के हक में बहुत बड़ा फैसला है और मदरसा बोर्ड के हक में ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इससे जो है मदरसा बोर्ड और जो मुसलमान है मुस्लिम समाज है उसमें खुशी की लहर है क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हालांकि ये फैसला जो है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसके जो है विपरीत दिया था लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इसका पलटवार फैसला किया है जिससे मुसलमानों के लिए बहुत हित की बात है। जी जी ओवैस, लेकिन ये जो फैसले लिए गए थे जो ये मुद्दा चलाया गया था कोर्ट में ये पिछले कुछ समय से मदरसों में कुछ असंवैधानिक तरीके की चीजें नजर आ रही थी जैसे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा था जो सिखाया जा रहा था वो चीजें गलत सामने आ रही थी चाहे कुशीनगर के मदरसे हो या प्रयागराज के मदरसों से भी कई सारी वारदात सामने आई थी जिसकी वजह से मदरसों पे ये गाज गिरनी शुरू हुई थी। क्या कहना है उसके बारे में कि क्या अब उसमें कुछ कमी आएगी या सरकार इसको लेकर और भी सख्त नजर आएगी? नहीं देखिए बिल्कुल कमी आएगी और दूसरी बात ये भी है कि अभी जो तमाम जो धर्मगुरु हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये जो धार्मिक पढ़ाई है इसके अलावा हिंदी इंग्लिश और मैथ और ये जो दूसरी पढ़ाई है ये भी मदरसों में पढ़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं देखा जाए इससे बच्चों का जो भविष्य है वो उज्ज्वल होगा। मदरसे के बच्चे हालांकि धार्मिक पढ़ाई के अलावा और जो दूसरी पढ़ाई है वो भी पढ़ सकेंगे। तो अभी जो खालिद रशीद फिरंगी मैली हैं और मौलाना यासुब अब्बास हैं तमाम जो धर्मगुरु हैं उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि ये बच्चे जो हैं मदरसे में ये जो बच्चे धार्मिक पढ़ाई पढ़ते हैं इसके अलावा हिंदी इंग्लिश उर्दू और जो तमाम मैथ साइंस सभी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मदरसे के लिए अब जो आपने बात कही है वो कमी तो आएगी हालांकि जो बच्चे हैं बच्चों का भविष्य ये जो है उज्ज्वल होगा और ये स्वतंत्रता से अपनी पढ़ाई पढ़ सकेंगे। जी ओवैस, इस फैसले के बाद आपने बताया कि मुस्लिम पक्ष काफी खुश नजर आ रहा है, आप जहां पे इस वक्त हैं वहां पे हमें काफी लोग नजर आ रहे हैं पीछे, क्या आप किसी से बात करने की कोशिश कर सकते हैं कि इस फैसले पे उनका क्या कहना है और ये कहां तक सही है? नहीं अभी हमने पहले भी इनसे बात करने की कोशिश की थी लेकिन अभी फिलहाल अभी कोई बात करने के लिए बात नहीं हो पा रही क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं है इसमें जहाँ ज्यादातर इनकी जानकारी हो, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और हालांकि तो इस वजह से थोड़ी सी बात करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये इन लोगों में खुशी की लहर है और जो बच्चे हैं जो मदरसा बोर्ड के बच्चे हैं इन लोगों में भी खुशी की लहर है। जी ओवैस, लेकिन जो मदरसे चल रहे हैं क्या अब वो सरकार की निगरानी में रहेंगे क्योंकि पिछले कुछ समय से काफी जो चीजें नजर आ रही थी जब प्रयागराज का मामला सामने आया था कि वहां के मदरसों में काफी तरीके के असंवैधानिक चीजें पाई गई थी जिसके बाद से ही मदरसों पे कड़ी निगरानी रखनी जा रही थी, क्या लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद फिर से सरकार इन चीजों की छानबीन करेगी? बिल्कुल निगरानी की बात तो सही है, निगरानी तो रखी जाएगी लेकिन हाँ ये जरूर है कि देखिए शिक्षा का मंदिर है और सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा जो फैसला लिया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा क्योंकि देखिए अभी जो फैसला लिया है साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि स्वतंत्रता जो है वो पढ़ाई की जो स्वतंत्रता है धार्मिक जो आदमी पढ़ाई कर सकता है और उसकी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता के हिसाब से वो धार्मिक पढ़ाई कर सकता है। हाँ ये बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि जो राज्य सरकार है और जो मदरसा बोर्ड है वो आपस में बात कर ले, बातचीत करके जो दूसरी पढ़ाइयाँ हैं उस पर भी जो है सेकुलर पढ़ाई भी पढ़ा सकते हैं तो आपस में बातचीत करके तो इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत अहम फैसला है और जो भी फैसला लिया गया तीन बच्चों में ये बहुत छोटा मोटा फैसला नहीं है और जज जो जज बैठे हैं वो भी उन लोगों ने भी बहुत सोच समझ कर फैसला लिया है। जी तो, बिल्कुल ओवैस, हम चाहेंगे क्या कहना है इसके बारे में, अभी तक कोई बयान आ पाया है किसी मुस्लिम धर्म गुरु की तरफ से या फिर जिन लोगों ने ये याचिका दायर की थी क्या अभी तक किसी बड़े संगठन का बयान आया है इसको लेकर? नहीं देखिए अभी बड़े संगठन का बयान तो नहीं आया है। हाँ हालांकि खालिद रशीद फिरंगी मैली धर्मगुरु हैं
उनका बयान आया है, यासू अब्बास धर्मगुरु है उनका बयान आया है, और सभी ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका स्वागत किया है। इसमें एक जो मदरसा बोर्ड की पढ़ाई धार्मिक पढ़ाई में हाफिज शामिल और जो एक और पढ़ाई होती है उसको लेकर जो है जो आपत्ति जताई है जरूर, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर बयान की हम बात करें तो जो भी धर्मगुरु है उनका बयान आया है, उनके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है स्वीकार किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है अच्छा कहा है और धन्यवाद किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए जी उमेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है, मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत दी है कि मदरसा बोर्ड एक्ट को वैध घोषित कर दिया है, कहा कि अब बच्चे अपनी जगह पे मदरसों में पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा संगठन चुनाव के बाद योगी मंत्रिमंडल में एक बड़ा फेरबदल हो सकता है, कुछ मंत्रियों के विभागों में कटौती की जा सकती है। जितिन प्रसाद और अनूप प्रधान वाल्मीकि के सांसद बनने के बाद से उनके मंत्री पद रिक्त चल रहे हैं, इनकी जगह कुछ नए चेहरे को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी सरकार का हिस्सा हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीडब्ल्यूडी विभाग पर भी कई लोगों की नजर बनी हुई है। जितिन प्रसाद के सांसद बनने के बाद पीडब्ल्यूडी के मंत्री का पद सबसे अधिक हॉट केक बना हुआ है, इसको पाने के लिए कई नेता जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक मंत्री की इस विभाग पर नजर भी है, वही एक पूर्व मंत्री की सरकार में वापसी हो सकती है। पिछले कुछ दिनों पहले ही उन्होंने दिल्ली को साधने की पूरी कोशिश की थी। अब देखना यह है कि अब कौन मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। बता दें कि योगी मंत्रिमंडल से ये बड़ी अपडेट आ रही थी, जहां अब नए चेहरों को जगह मिल सकती है। बता दें कि कुछ पुराने चेहरों को भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद के जाने के बाद जो सीट खाली हो गई थी वो सबसे ज़्यादा चर्चा में है और काफ़ी नेताओं की नज़र में है, सभी उस कुर्सी को पाना चाहते हैं, और इसीलिए ये खबर सामने आ रही है कि अब योगी मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं और कुछ पुराने चेहरों को भी जगह मिल सकती है। बता दें कि योगी के मंत्रिमंडल में ये बड़ा फेरबदल हो सकता है और नए चेहरों के साथ साथ पुराने चेहरों को भी अब जगह मिलने के पूरे आसार है। इस पर आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, योगी मंत्रिमंडल में फेरबदल देखने को मिल सकता है और नए चेहरों के साथ कुछ पुराने चेहरे भी नजर आएंगे, ऐसी सूचना मिली, क्या लगता है कौन कौन हो सकता है इस बार मंत्रिमंडल में? बिल्कुल अर्चना, अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल की, तो योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में फेरबदल होने जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि जो मंत्री जो जिनका क्षेत्र था, जो मंत्री पद पर थे और उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद सांसद बन गए, तो अब उनकी जगहें खाली हुई हैं। जाहिर सी बात है कि अब उनकी जगह पे अब नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि जो बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी उसकी दौड़ में है, तो वो भी सरकार में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो इस समय सांसद बने हुए हैं जितिन प्रसाद, उनकी जो सीट खाली हुई है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री थे और इस समय कई मंत्री ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूडी का विभाग लेने के लिए लालायित हैं, तो जाहिर सी बात है कि योगी मंत्रिमंडल में ये जो फेरबदल हो रहा है इसमें कई नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे हॉट अगर कहा जाए तो जितिन प्रसाद का जो मंत्रिमंडल था पीडब्ल्यूडी विभाग को लेने के लिए कई मंत्री साधने की कोशिश कर रहे हैं। जी राजेश, क्या लगता है कि योगी किसको जगह दे सकते हैं, क्योंकि काफी जद्दोजहद चल रही है दोनों कुर्सी को पाने के लिए, लेकिन योगी की नजर रहेगी कि आने वाले दिनों में छवि ना खराब हो, ऐसे में क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ का साथ किसको मिल सकता है? देखिए, अभी तो सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर है कि किसको मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, किसी पुराने चेहरे को ही शामिल करते हैं या फिर नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। एक खास बात ये भी है कि अगर जो भी मंत्री बनेगा
मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के बातचीत के बाद ही फाइनल होगा कि किसको मंत्री बनाया जाए, किसको मंत्री पद दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के बिना आदेश के बाद योगी मंत्रिमंडल में किसी को भी, किसी नए चेहरे को भी या कोई पुराना चेहरा हो, किसी को भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी जब तक कि आला कमान दिल्ली से कोई फाइनल नहीं होगी बात। तो जाहिर सी बात है कि अभी योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पीएम मोदी से हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि इस मामले पर भी बातचीत हुई होगी पीएम मोदी से योगी आदित्यनाथ की, उसी के आधार से अब मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा रहा है। राजेश, क्या लगता है इस मंत्रिमंडल में और किस तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इसमें कोई किसी भी तरीके का और बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बस यही इतना है कि इसमें जो मंत्रिमंडल का जो फेरबदल हो रहा है, इसमें जो सीट खाली हुई है उसकी जगह पे किसको अवसर मिलता है, अभी तो देखने वाली बात होगी। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार बीजेपी संगठन चुनाव में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। बता दें कि योगी मंत्रिमंडल में इस बार नए चेहरों के साथ साथ पुराने चेहरों को भी जगह मिल सकती है। सबकी निगाहें इस बार मंत्रिमंडल में रहेगी कि कौन योगी आदित्यनाथ के करीब जाकर भाजपा की तस्वीर बदलने में साथ देगा। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।